मैं सिद्धार्थ शर्मा आप सभी का इग्नू स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत करता हूँ, जो यूट्यूब पर इग्नू के स्टडी वीडियोस और नोट्स का सबसे अच्छा चैनल है। यह चैनल आपको नोट्स हर वीडियो के साथ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता है। आपको 2000 से 3000 रुपए नोट्स के लिए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए इससे अच्छा स्टडी चैनल नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। और अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक बाई चांस नहीं समझ आता तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम मुख्य है। नंबर सिस्टम में जिसका आधार R है, बाइनरी में R की वैल्यू 2 होती है, यानी इसमें सिर्फ 2 प्रतीक होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में R की वैल्यू 8 होती है, यानी इसमें 8 प्रतीक होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16, इसमें 16 नंबर और वर्ड्स को मिलाकर प्रतीक होते हैं। अब सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2 एंड देयरफॉर यूजेस ओनली 2 डिस्टिंक्ट सिंबल्स 0 एंड 1। एनी नंबर इन बाइनरी इज रिटेन ओनली बाय यूजिंग दीज 2 सिंबल्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका बेस यानी आधार 2 है, और इसीलिए केवल 2 अलग अलग प्रतीकों का उपयोग करता है, 0 और 1। बाइनरी में किसी भी संख्या को इन 2 प्रतीकों का उपयोग करके ही लिखा जाता है, यानी कोई भी वर्ड हो, कोई भी संख्या हो, आप उसे इंस्ट्रक्शन के रूप में, जैसे ए वर्ड टाइप किया तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस बाइनरी नंबर के फॉर्म में जाते हैं, 0100010 ऐसे करके जाते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारी भाषा का प्रोसेस करके उसे प्रदर्शित करता है कि हमने ए टाइप किया है या फिर और कुछ टाइप किया है। ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके अतिरिक्त अभी जो 2 बताए थे, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, अब इन सब में कन्वर्जन यानी रूपांतरण के बारे में देखते हैं कि कैसे रूपांतरण करते हैं। बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी नंबर में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। सबसे पहले ये 3 नंबर्स हैं जिनका रूपांतरण डेसिमल में किया हुआ है। आप इन नंबर्स में देख सकते हैं, इनके नीचे ब्रैकेट्स के बाहर में 2 लिखा है, यानी ये इसका बेस है। ये जो नंबर्स हैं ये बाइनरी नंबर हैं। 10101 ये पहला वाला, ये बाइनरी नंबर, इसलिए इसके नीचे 2 बेस लिखा है। इस तरह से हम बाइनरी नंबर लिखते हैं, इनके नीचे बेस 2 लगा करके। और इसका आंसर 21, जिसका बेस 10 है, यानी 10 बेस वाले को डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10 होता है। जैसे ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16, जिसमें जितने प्रतीक होते हैं उसमें उतना ही बेस लिखते हैं। बाइनरी से दशमलव में कन्वर्जन, ये 3 उदाहरण हैं, इनके बारे में देखते हैं कि इनका कन्वर्जन कैसे हुआ है। सबसे पहला वाला देखते हैं, जिसमें 10101 है और उसका बेस 2 है, यानी ये बाइनरी नंबर है। इसका कन्वर्जन दशमलव में हुआ है तो उसका आंसर आया है 21। ये कैसे हुआ इसके बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले जिधर बेस 2 लिखा है उधर से बाइनरी नंबर की गिनती करेंगे। सबसे पहले जो बेस 2 के पास है उस वाले 1 को 2 की वैल्यू 0 लिखेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले शुरुआत में है तो उसकी सबसे पहले वैल्यू 0 होगी ऊपर, ठीक है। उसके बाद में फिर 0 है, पावर जो लगेगी 2 की पावर 1 लगेगी। इधर आप देख सकते हैं 2 की पावर 4 है, प्लस 2 की पावर 2 है, प्लस 2 की पावर 0, तो जो सबसे इधर वाला है 1, उसकी ही ये 2 की पावर 0 लिखी है। और उसके बाद में 0 वाले को छोड़ दिया जिसमें 1 था, मतलब कि जिसकी पावर 1 लगनी थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो इस जगह पर 0 लिखा है, तो जितने भी 0 वाले हैं वो सब छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ 1 वाले को लिखेंगे, जहाँ 1 लिखा होगा वहीं पर लिखेंगे। अब ये बीच वाला जो 1 लिखा है उसमें देखिए 2 की पावर 2 है, क्योंकि जो ये 0 वाला है उसका लिखा नहीं, उसमें 2 की पावर 1 होती, लेकिन अब ये 0 वैल्यू है तो इसका लिखेंगे नहीं। ऐसे ही फिर 0 1 छोड़ा, इस 0 की जो बीच वाले 1 के बाद में जो 0 है इसकी पावर 2 की पावर 3 होती, लेकिन इसको छोड़ दिया। और उसके बाद में फिर 1 है लास्ट में, उसमें 2 की पावर कितनी होगी? 4। 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0, इन सबको सॉल्व कर लेंगे
और इसका आंसर अब 21 आ गया, और 21 ये जो है अभी दशमलव नंबर है। ऐसे ही सेकंड नंबर वाला 100011 बेस 2 यानी बाइनरी नंबर, इसको भी दशमलव में बदला है तो इसका आंसर आया है 35। ये भी ऊपर की तरह ही हुआ है, बेस 2 के पास वाले एक में 2 की पावर कितनी है, 0, तो इधर 2 की पावर 0 लिखा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो एक है उसकी अब कितनी होगी, पहले वाले की 0 हो चुकी, अब इसकी 1 होगी क्योंकि ये इसके जस्ट बाद में है, तो 0 के बाद क्या आता है, 1। तो अब 2 की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ये 000, 000 है, तो मतलब यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, इन सबको छोड़ करके जो लास्ट वाली एक है उसकी अब करेंगे, तो वो कितने नंबर पर है, छठे नंबर पर, मतलब उस जगह पर 2 की पावर 5 होगी क्योंकि 0 भी इधर गिना जाता है, एक से शुरुआत नहीं होती, 0 से शुरुआत होती है, 2 की पावर 0 से छठे नंबर पर है, तो 2 की पावर 5। अब इन सबको जोड़ लेंगे और इसका आंसर 35 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला है, इसमें पॉइंट के जो इधर हैं उनको माइनस मिलेंगे, मतलब कि जो पॉइंट के बाद 0 है उसको -1, 2 की पावर -1, और दूसरे नंबर वाले को 2 की पावर -2, और तीसरे नंबर वाले को 2 की पावर -3, और 0 वाले जितने भी हैं उनको हटा करके जितने 1 हैं उनको ही 2 की पावर में करेंगे। पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे 1 है, इस जगह पर 2 की पावर -2, और उसके बाद में 2 की पावर -3 जो तीसरे नंबर पे है, उधर वाले जो प्लस वाले हैं और इधर माइनस वाले, इन सबको अब जोड़ लेंगे, तो 2 की पावर -3 मतलब 1/8, और इधर 2 की पावर -2 मतलब 1/4, और 2 की पावर 3 मतलब 8, इन सबको इनके साथ जोड़ेंगे तो इसका आंसर आया है 10.375। इसका आंसर दशमलव नंबर में 10.375 है। ये तो हुआ बाइनरी से दशमलव में कन्वर्जन। आप दशमलव से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर 41.6875 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इसका कन्वर्जन देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले 41.6875 को दो भागों में बांट लेंगे, 41 और दूसरे भाग को 0.6875 में कर देंगे। अब सबसे पहले 41 को सॉल्व करेंगे, इसमें सबको 2 से भाग करना होता है, तो सबसे पहले 41 को 2 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, और 20 क्वेसेंट जिसे हमें फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो अब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेंगे, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, यानी शेषफल 0 होगा। फिर 10 को 2 से भाग करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर यानी शेषफल 0 होगा, और अब 5 बचेंगे जिन्हें हमें फिर से 2 से डिवाइड करना है, और 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2 आएगा और रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे जिससे रिमाइंडर 0 आएगा। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 से अब डिवाइड होगा नहीं और ज़्यादा करना भी नहीं है, तो अब जो वैल्यू है क्वेश्चन की वो 0 हो जाएगी और शेषफल जो है हमारा 1 बच जाएगा। अब जो ये रिमाइंडर हैं यही हमारी बाइनरी नंबर है जिनको हमें नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, 101001, यानी 41 का आंसर बाइनरी नंबर में क्या हुआ, 101001। अब ऐसे ही जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका 41.6875 ऐसे था, अब उसका हम देखेंगे 0.6875 का अब करेंगे, लेकिन ये जो है ये पॉइंट के इधर होती, तो अब हम इसको 2 से गुणा करेंगे भाग करने की बजाय, और उसका जो इंटीजर पार्ट आएगा अब वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले 0.6875 का गुणा 2 से करने पर 1.3750 होगा, लेकिन एक बार में 2 से गुणा करने पर पॉइंट के इधर जो भी आता है, 1 आए या 0 आए, उसे हमें लिखना है। इस बार 1 आया तो हमें सबसे पहले इंटीजर पार्ट मिला 1। अब फिर से जो 0.375 बचा इसको फिर से अब 2 से गुणा करेंगे, अब 2 से गुणा करने पर 0.7500 हुआ। अब इधर इंटीजर पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, 0, तो अब 0 को लिख देंगे। ऐसे ही सारे करेंगे, उसके बाद में हमारा ये आंसर आया। अब इसको ऊपर से नीचे की ओर वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये हमने गुणा किया है और वो भाग किया था, तो उसको नीचे से ऊपर की ओर लिखा था, इसको अब ऊपर से नीचे की ओर, तो अब दशमलव नंबर का आंसर क्या हुआ,
0.6875 का आंसर 1011 हुआ। 41 का आंसर 101001 था, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 1011। तो अब इन दोनों को मिलाकर के 101001.10011 आंसर हो गया इसका। अगर आप ये कन्वर्जन अभी समझे नहीं हैं तो इसके आगे आप समझ जाएंगे, अभी और भी बताएंगे इसके बारे में। ये दो नीचे के टॉपिक आप खुद समझ सकते हैं, जिसमें है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, दशमलव संख्या 13 दी हुई है और इसे आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जैसे ऊपर बताया वैसे ही आप कन्वर्ट कर लेना। और उसके बाद में है बाइनरी नंबर 101011, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर भी दिया है, कन्वर्जन भी दिया है, तो आप इसको समझ लेना। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देखते हैं। ये बहुत सरल है, आपको बस वैल्यू जाननी है कि किसकी क्या होती है। जैसे दो की वैल्यू 0010 होती है और इसमें 16 नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 नंबर ये हुए। और ए बी सी डी ई और एफ तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। टोटल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 प्रतीक होते हैं। हर हेक्साडेसिमल नंबर और अल्फ़ाबेट को बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ लेना और बस आप आसानी से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे 2 की वैल्यू 0010 होती है, D की वैल्यू 1101 होती है और 5 की वैल्यू 0101 होती है। अब 2D5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये नीचे लिखे हुए हैं इन सबको एक में मिला देंगे, बस यही वैल्यू हो जाएगी बाइनरी नंबर में। और ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे, ये जो कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू दी हुई है तो इनको 4-4 के फॉर्म में सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 1111 ये सबसे पहले इधर से करेंगे जिधर बेस 2 लिखा है, तो इधर 1111 हो गया। उसके बाद में फिर 0101 है, तो इनको सबको 4-4 के फॉर्म में लिख लेंगे। आखिर में 10 बचेगा, तो 10 बचा उसके आगे 00 बढ़ा लेंगे, अब ये भी 4 अंक हो गए। इन वैल्यूज़ को अब हेक्साडेसिमल प्रतीकों में देखेंगे और उनका आंसर लिखेंगे। जैसे 1111 का होता है F, 1010 का होता है A, 1001 का होता है 9 और 0010 का होता है 2। अब इन सबको साथ में लिख देंगे 29AF, यही हो जाएगा हमारा आंसर 29AF।